तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा RS-200 का जो अपडेटेड वर्जन है कब तक देखने को मिलेगा और क्या क्या अपडेट होने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करूंगा। अगर जानना चाहते हो तो एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं अपडेटेड वर्जन कब तक देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत दिन से यहाँ पे RS-200 का जो अपकमिंग वर्जन आने वाला है, बहुत सारा वीडियो आप लोगों को देखने को मिल गया होगा, लेकिन अभी तक अपडेटेड वर्जन का नाम से कुछ भी बाइक अभी भी लॉन्च नहीं किया गया है। लेकिन शोरूम पे अभी भी RS-200 आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वो है BS6 के अंदर जो पहले आता था, वही मॉडल आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा जो चेंजेस आ चुका है ऑलरेडी यहाँ पे NS-200 के ऊपर, तो NS-200 के ऊपर सबसे पहला जो अपडेटेड वर्जन आने का जो रीज़न है वो दोस्तों, यहाँ पे RS-200 का जो सेलिंग है NS-200 से बहुत ही कम है। क्यों दोस्तों? यहाँ पे RS-200 बजाज कंपनी में एक ऐसा बाइक है जो RS-200 है स्पोर्ट्स कैटेगरी में आता है, लेकिन दोस्तों स्पोर्ट्स कैटेगरी उन लोग चॉइस करते हैं जो स्पोर्ट्स कैटेगरी का बाइक चलाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे सेलिंग डाउन होने का एक ज़बरदस्त रीज़न है दोस्तों, यहाँ पे R15 के लिए। जब से R15 इंडियन मार्केट में आया है, R15 R3 से लेकर R14, जब से यहाँ पे आया है RS-200 का जो सेलिंग है धीरे धीरे डाउन होता गया। लेकिन दोस्तों, इसके ऊपर अपडेट करने के लिए थोड़ा सोच समझ के अपडेट करना पड़ेगा बजाज को, क्योंकि दोस्तों R15 के ऊपर यानी R15 के साथ टक्कर देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, पावर के मामले में यहाँ पे जो 200cc के अंडर आता है, तो पावर के मामले में कुछ भी चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कुछ लिमिटर इशू है वो चेंजेस करेगा, करने से हो जाएगा, यहाँ पे 150 प्लस टॉप स्पीड इजीली कवर कर लेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो पुराना वाला लुक्स वाला डिज़ाइन है, वो यहाँ पे वो वाला डिज़ाइन अगर फिर से लॉन्च करेगा तो यहाँ पे R15 के ऊपर टक्कर दे पाएगा या नहीं, वो इसके वजह से हो सकता है यहाँ पे पहले NS-200 लॉन्च किया गया है। लेकिन दोस्तों, NS-200 के जो कंपटीटर है वो MT-15 है, लेकिन फिर भी NS-200 बहुत लोग पसंद करते हैं, तो इसलिए सबसे पहले NS-200 के ऊपर अपडेट किया गया है। अभी बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो RS-200 है इसके ऊपर क्या क्या अपडेट होने वाला है, रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या क्या। देखिए दोस्तों, यहाँ पे NS-200 के ऊपर जो भी अपडेट आया है, जो भी अपडेट यहाँ पे किया गया है, वो अपडेट सेम टू सेम अपडेट RS-200 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे RS-200 का जो लुक्स है, बॉडी ग्राफिक्स, बॉडी डिज़ाइन का जो लुक्स है, जो यहाँ पे बाइजर वगैरह लुक से सेम रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ कलर और ग्राफिक्स डिज़ाइन यहाँ पे चेंजेस हो सकता है। और चेंजेस क्या हो सकता है, मेजर जो अपडेट आया है यहाँ पे, जो सस्पेंशन है दोस्तों, यहाँ पे टेलीस्कोपिक पहले मिलता था NS-200 के ऊपर, यहाँ पे USD दे दिया गया है, जो है USD यहाँ पे सस्पेंशन यानी USD फोक यहाँ पे दिया है, जो NS-200 में सेम USD आप लोगों को देखने को मिलेगा RS-200 में। एक अपडेट ये हो गया दोस्तों। और दूसरा जो अपडेट है वो है मीटर कंसोल के ऊपर, मीटर कंसोल चेंजेस नहीं होने वाला है, सेम मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे जो सिर्फ गियर इंडिकेटर ऐड किया गया है और छोटा मोटा 2-3 फीचर्स अलग से ऐड किया गया है। तो ये दो फीचर्स यहाँ पे आप लोगों को दो जो अपडेट है ये देखने को मिल जाएगा RS-200 में। और एक अपडेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा जो यहाँ पे रेयर टायर है, 130 सेक्शन का टायर मिलता था पहले, लेकिन अपडेटेड वर्जन में 140 सेक्शन का टायर मिलने का चांसेस है। ये दोस्तों, यह के तीन अपडेट होके यहाँ पे रिसेंटली आप लोगों को RS-200 अपडेटेड वर्जन देखने को मिलेगा इसी साल के अंदर। तो यहाँ पे R15 के ऊपर कंपटीशन देने के लिए, कंपटीटर बनने के लिए, R15 को डाउन करने के लिए आप यहाँ पे बजाज को यहाँ पे न्यू लुक्स वाला कुछ बाइक यहाँ पे लॉन्च करना पड़ेगा, या फिर RS-200 को फुल्ली चेंजेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो अपडेट मैंने बताया, ये अपडेट होकर अगर RS-200 आता है तो फिर भी थोड़ा सा बूस्ट मिल सकता है RS-200 का जो सेलिंग के ऊपर। तो ये 3-4 अपडेट होकर आने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो प्रोजेक्टर हेडलाइट है वो LED आएगा या फिर हेलोजन ही रहेगा, इसके ऊपर कुछ भी यहाँ पे अपडेट निकल के सामने नहीं आया है दोस्तों। यहाँ पे जो LED प्रोजेक्टर से लेके हेलोजन प्रोजेक्टर है, इसका जो विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये चेंजेस होगा या फिर नहीं होगा इसके बारे में कुछ भी अपडेट नहीं है, कुछ भी अपडेट निकल के सामने नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे NS-200 के ऊपर जो अपडेट क्या है, सेम अपडेट आप लोगों को देखने को मिलेगा RS-200 के ऊपर। तो दोस्तों, वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे R15 रिलेटेड, KTM रिलेटेड, जो भी बाइक रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगेगा।